वेलकम टू द चैनल। आज 10th of July, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर PDF आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, सारे PDF आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने सर्च करना है नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है। नेक्स्ट एग्जाम IQ टेलीग्राम ग्रुप, इंडिया का बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर रिविजन। डेली 30 से 40 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक एंड करंट अफेयर। अभी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आज चैनल पे पहली बार विजिट करे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना। मॉर्निंग में 5 बजे डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो जाता है। शुरू करते हैं फिर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया साइंस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डेटा एक्सचेंज टू मेक एवरीथिंग मोर कन्वीनियंट एंड ट्रांसपेरेंट। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर हु इज द चेयरमैन ऑफ CBDT एंड सेबी। CBDT के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में एंड सेबी के मुंबई में। अब आपको चेयरपर्सन बताने, चेयरमैन बताने दोनों ऑर्गेनाइजेशन के। सो करेक्ट आंसर होगा इसका PC मोदी जो हैं हमारे CBDT के चेयरमैन, एंड सेबी के जो चेयरमैन हैं वो अजय त्यागी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, ये आपने याद रखना है। एंड दिस MOU वॉज साइंड बाय अनु जय सिंह जो प्रिंसिपल हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स, एंड मधुबी पुरी भज जो फुल टाइम मेंबर, इनका नाम आपने याद रखना है मधुबी पुरी भज फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, जो अक्टूबर तक इनको एक्सटेंशन दे दिया गया था, 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, तो इनके दौरान ये एग्रीमेंट साइन किया गया। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम बोथ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकेंड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज हैव एलिमिनेटेड मीजल्स एंड रूबेला। 2023 तक का टारगेट था, बट वेल डन, इन दोनों कंट्रीज ने इसको एलिमिनेट कर दिया। दीज आर द अनाउंसमेंट मेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द कंट्रीज आर मालदीव्स एंड श्रीलंका। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। बात की जाए कंट्रीज़ के बारे में, अगर मालदीव्स से ही शुरू करते हैं, मालदीव्स की कैपिटल माले, प्रेजिडेंट इज़ इब्राहिम मोहम्मद सोलह, करेंसी इज मालदीवियन रूफिया। ओके, बाकी श्रीलंका का तो मैप भी यहाँ पर इंक्लूड आपको मिल जाएगा। पाक स्टेट का नाम याद रखना, इज इट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। एंड बाकी डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स अबाउट द कंट्री, यहाँ आपको इन दिस स्लाइड आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज मालदीव्स एंड श्रीलंका, जिन्होंने ये अपना मालदीव्स एंड श्रीलंका जिसने मीजल्स एंड रूबेला को ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। सो नेक्स्ट इज, US फॉर्मली अनाउंस टू विदड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो फॉर्मली अब कुछ कॉम्प्लिकेशन तो पहले से ही चल रहे, पहले फंडिंग बंद की थी, नाउ विद इफेक्ट फ्रॉम 6 जुलाई 2021 अनाउंसमेंट अभी कर दिए, साइंस वगैरह कर लिए हैं फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो द्वारा कि विड्रॉ कर रहे हैं, बट ऑफिशियली विद इफेक्ट 6 जुलाई 2021 को ही ऑफिशियली विड्रॉ हो पाएंगे। ओके, सो US ने अपनी तरफ से यानी कि WHO को का नाता छोड़ दिया। ओके, ये आपने याद रखना है। एंड WHO के साथ US पार्ट बना था 21 जून 1948, WHO की एस्टैब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, यानी कि स्टार्टिंग से ही US पार्ट बन चुका था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ इसने अपना सारा रिलेशन ख़त्म कर दिया। अब रीज़न क्या है, COVID-19, क्योंकि US का मानना है कि WHO को पता था अबाउट कोरोना वायरस की चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ, चाइना ने हिस्ट्री छुपाई, बट स्टिल WHO ने चाइना का साथ दिया, हिस्ट्री को हाइड किया। सो US में अराउंड 1,30,000 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं ड्यू टू COVID-19। सो यही सारा प्रोसेस था, इसलिए US ने अपना रिलेशन ख़त्म किया WHO से, ये अपने याद रखना है। बाकी WHO के बारे में, टेड्रोस अदनॉम इज़ द डायरेक्टर जनरल, हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड द हिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस इज़ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इसको अपग्रेड करेंगे टू नेशनल पार्क। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा आपसे कि ये कौन सी जगह है, ठीक है, दिहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है जो नेशनल पार्क बनेगी। सो करेक्ट आंसर इज असम, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। असम के बारे में, सर्बानंद सोनोवाल इज द CM, जगदीश मुखी इज द गवर्नर, दिसपुर इज द CM, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स अभी रिसेंटली असम के CM डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल को ही दिया गया था, याद रखिएगा। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पास द ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस टू रिजर्व 75% ऑफ द प्राइवेट जॉब्स टू द लोकल पीपल्स। तो 75% जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं लोकल पीपल्स को दिए जाएंगे। सो ऐसा ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस पास करने वाला कौन सा स्टेट है, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर इज हरियाणा, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा।
एंड अबाउट द बेसिक डिटेल्स, हरियाणा की सारी डिटेल्स आपको यहाँ प्रोवाइड कर दी गई है। ओके, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक आपके साथ शेयर की जा रही है। लास्ट सिक्स मंथ के करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएंगे फ्रॉम जनवरी टू जून 2020, 2000 प्लस एग्जाम और इंटेड करंट अफेयर इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर जाके इसको परचेज करके इसका बेनिफिट उठाएं। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, नेक्स्ट एग्जाम IQ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। डेली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उन्हें अटैम्प्ट भी, नॉट ओनली ज्वाइन उनको अटैम्प्ट भी करो। नेक्स्ट वन इज नेम द पर्सन हु गॉट 3 months एक्सटेंशन एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो 3 महीने का इनको एक्सटेंशन दे दिया गया, आपको बताना है इनका क्या नाम है। करेक्ट आंसर इज बंसीलाल भट्ट, ये आप याद रखिएगा। एंड बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या रहता है कि जो भी कंपनीज के बिटवीन डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करना। सो बंसी लाल भट्ट को इनको 3 months का एक्सटेंशन दे दिया गया, आप याद रखो। अभी रिसेंटली के वेणुगोपाल राव को, जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, इनको भी 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया था, ये आप याद रखेगा। पीसी घोष लोकपाल हैं एंड तुषार मेहता हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज ये कुछ डिटेल्स आप देख लीजिएगा अबाउट नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, न्यू स्पीशीज ऑफ एंथ्रोटेड लिजर्ड चिताना दारवियंसिस डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट। इस जो लिजर्ड है इसके थॉट के पास आपको एक फैन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, सो आप पिक्चर में देख सकते हो। सो इसे डिस्कवर्ड किया गया इन विच इंडियन स्टेट बाय द साइंटिस्ट। करेक्ट आंसर इज कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये पिक्चर भी आपके सामने है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ गोवा प्लान्स टू प्रोवाइड 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2021। तो ऐसा अनाउंसमेंट गोवा सरकार द्वारा किया गया, प्रशांत कुमार इज द CM, सत्यपाल मलिक गोवा के मुख्यमंत्री हैं। भगवान महावीर नेशनल पार्क ये हमारा गोवा में है, ये आप याद रखिएगा। ओके, फिनो पेमेंट बैंक लाइक भविष्य सेविंग अकाउंट इन्होंने लॉन्च किया फॉर माइनर्स एज बिटवीन 10 to 18 years, 10 से 18 साल के बिटवीन के लिए एक सेविंग अकाउंट जिसका नाम रखा गया भविष्य, जो फिनो पेमेंट बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया। ऋषि गुप्ता CEO हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में फिनो पेमेंट बैंक के। ओके, हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई नेम्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई। ओके, तो ये पिक्चर भी आप देखेंगे इस बटरफ्लाई की। ओके, दिस इज़ द पिक्चर एंड द फीमेल बर्ड विंग विद 194 mm विंग स्पैन वॉज रिकॉर्डेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। ओके, फीमेल का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू मेल। द मेल गोल्डन बर्ड है वो है 106 mm विंग स्पैन वॉज रिकॉर्डेड एट वानकर बटरफ्लाई म्यूजियम एट शिलोंग। तो ये आप याद रखेंगे, इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई हिमालयन गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई। ओके, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लाइक 50 million लोन जो सैंक्शन किया टू लार्सन एंड ट्यूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। 100 million का करना, सो फर्स्ट फेज में अभी इन्होंने 50 million लोन अप्रूव किया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स बेजिंग चाइना में एंड इसके प्रेजिडेंट हैं जिन लिक्विन, ये आप याद रखेंगे। एंड MD एंड CEO ऑफ लार्सन एंड ट्यूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड दीनानाथ दुभाषी, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, सेल्फ स्कैन लाइक जैसे आप कैम स्कैनर यूज़ करते थे, अब सेम इसी तरीके से आप सेल्फ स्कैन ऐप यूज़ कर सकते हो जिसे अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, आपको बताने की कौन सी सरकार द्वारा। सो करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, ममता बनर्जी इज द CM। इज कम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च फॉर COVID-19 टेस्ट इंक्लूडिंग RT-PCR टेस्ट बाय माई लैब पुणे महाराष्ट्र। आपको माई लैब पुणे महाराष्ट्र ज़रूर याद आ रहा होगा, फर्स्ट टेस्टिंग किट माई लैब पुणे द्वारा ही बनाया गया था। नाउ कम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि इसमें ये मैन पावर को रिड्यूस करेगा टेस्ट करने में एंड 32 टेस्ट एट ए टाइम एक साथ इसमें किए जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ सिस्टम जिसे पुणे बेस्ड माई लैब द्वारा लॉन्च किया गया, ये आप याद रखिएगा, कम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम। ओके, डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ UK इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो किसे बनाया गया न्यू CEO, ये बताओ। एंड आफ्टर दिस, ये आपके लिए 5 क्वेश्चन है। ओके, देखो ये सारे क्वेश्चंस रैंडमली पूछे जाते हैं, लाइक कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये कौन से मंथ के हैं, ये देखिए रैंडम क्वेश्चंस हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपने बताने। रिसेंटली ए न्यू आइडेंटिफाइड स्पीशीज ऑफ ट्री होपर हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर होम। तो किसके नाम पे ये ट्री होपर का नाम रखा गया, ये बताओ।
नेक्स्ट इज इंडियन माउंटेन अमगोत तुकाराम क्लाइम्ब्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया माउंट केजिस्को ही इज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट ये बताओ. थर्ड वन इज विच इंडियन हैज बीन नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन द स्पोर्ट्स फॉर 2020 रिलीज्ड बाय स्पोर्ट्स बिजनेस नेटवर्क आई स्पोर्ट कनेक्ट. विच आई आई टी हैज डेवलप्ड स्मार्ट स्टेथोस्कोप विच कैन हेयर हार्ट बीट फ्रॉम ए डिस्टेंस ये बताना. एंड विच आई आई टी हैज़ लॉन्च द प्रोजेक्ट इसैक तो कौन सी आई आई टी द्वारा इस प्रोजेक्ट इसैक लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग दिस कोविड 19. तो ये पाँच क्वेश्चन आपने बताने ट्राई टू आंसर एंड पहले खुद बताने की कोशिश कीजिए देन उसके बाद इनके आंसर्स ओके ये आंसर सिस्टमेटिकली हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट आंसर है सेकेंड है. कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या हमें फिर से क्रॉस चेक करने यू डोंट नीड टू क्रॉस चेक ये लाइक एज पर क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का आंसर फर्स्ट ही ओके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आई के ज्वाइन कर लीजिएगा. काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.